हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है, कौन दिन है आज हमको पता नहीं रहता बिल्कुल। संडे, हाँ संडे है। संडे को इतना लेट हो गया, देखिए अभी 12 बजे नाश्ता करने जा रहे हैं। और यहाँ मैंने अंडा फ्राई किया है और यहाँ पराठा बनाया है और चाय बन रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। और आज अयास के पापा का छुट्टी है ना, पूजा का 2 दिन, तो वो घर में ही है तो वो हेल्प करेंगे आज, उनकी वजह से सब लेट लेट हुआ है। तो चलिए वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिएगा और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बनाने वाली हूँ चिकन मसाला आज रेसिपी। तो सोचा आपसे भी शेयर करें, बहुत दिन के बाद मैं बनाने वाली हूँ ये। तो यहाँ मैंने 700 ग्राम यहाँ लिया है चिकन, अच्छे से मैंने इसे धो लिया है। और यहाँ देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है और एक प्याज है, 2 हरी मिर्च है। तो सब इसे हम मिला के अच्छे से मैरिनेट करके रख देंगे 1.5 घंटा के लिए फ्रिज में, तो और अच्छे से इसका ये आएगा। और यहाँ पाउडर मसाले में देखिए मैंने गरम मसाला लिया है और नमक और क्या बोलते हैं लाल रेड चिली पाउडर और गोल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जो जो पाउडर है आप यूज़ करते हैं वो सब यूज़ कर लीजिए, सब डाल दिया है। और मैंने यहाँ पे लिया है ये काजू का पेस्ट बनाया है मैंने। तो सारा कुछ मिला देंगे, अभी इसमें रहेगी, अभी थोड़ा सा पानी डाल के इसमें से निकाल लेंगे। और मैं डाल रही हूँ मीठा अतर, जो खाने में डालते हैं वो भी थोड़ा सा बच गया था मेरा, तो 1 से 2 बूंद ही की ज़रूरत है, वो निकल जाए बस हाँ 2 बूंद निकल गए, देखिए 2 बूंद ही बहुत है, वरना 2 बूंद से ज़्यादा डालने से ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबको अच्छे से मिला देंगे और इसमें हम 1 चम्मच डाल देंगे ऑयल। कितने अच्छे से मैंने यहाँ पे इसे मिला दिया है अच्छे से, और इसे 1.5 घंटा के लिए फ्रिज में रख दे, जितना देर रखेंगे उतना अच्छा इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो उतना टेस्टी बनेगा आपका ये चिकन मसाला। तो इसमें हम दही भी डाल सकते हैं और उसके बाद नारियल का चूर भी ऐड करते हैं। तो नारियल का चूर मिला नहीं और दही मेरे हस्बैंड भूल गए, और अभी पता है टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, तो अभी 1/2 घंटा इसे छोड़ देंगे, आज लेट हो रहा है सारा कुछ। और ये देखिए इनका चल रहा है साफ़ सफाई, ये घर में है तो आज इन लोग का साफ़ सफाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा दाना इन लोग का जमा हो जाता है तो वो साफ़ कर दे रहे हैं आज। और फिर हम लोग 2 दिन के बाद घर भी जा रहे हैं, और अयाज यहाँ बैठ के अपना कपड़ा गंदा करवा रही है, देखो उसके सर भर गए तो यहाँ वो बैठा हुआ है अयाज भी, और वो तो साफ़ सफाई में लगे हैं, तो आज लगता है बहुत लेट होगा। और एक कोई है मुझे बहुत परेशान कर रहा है, वो लड़का है या लड़की, गलत गलत कमेंट करके। तो जितना मन करे कमेंट करते रहो, वैसा वैसा कमेंट को हम अपना पैर का नीचे रखते हैं, अपना जूता के नीचे, ठीक है। और मुझको सपोर्ट करने वाले लोग भी बहुत है, तो उन लोग का सपोर्ट है बहुत है मेरे लिए। और बैड कमेंट करने का तो बहुत ही सारे लोग का आदत है, तो वो अपनी आदत को बरकरार रखे अच्छा होगा। हम अब ये अपना वीडियो में बोल भी दे रहे, इसके बाद कभी बोलेंगे भी नहीं कौन कमेंट किया है नहीं किया है। और ये मैंने कल एलाइनर लगाया था तो सही से साफ भी नहीं हुआ, तो वो जब से मैंने कलर करवाया वो बहुत ऐसा बात उठा रही है, ऐसा करवाया वैसा करवाया, देखो सही से मेरे सर में नज़र भी नहीं आ रहा कहाँ कलर कराया है कहाँ नहीं कराया। बस 5 साइड से बाल लेके पार्लर में मेरा कलर हुआ था, और बिल्कुल भी थोड़ा थोड़ा बहुत मुश्किल से कम नज़र आएगा। और मेरे हस्बैंड को पसंद था इसलिए करवाया, तो पता नहीं उसका क्या जा रहा है, वो लड़की है या लड़का है, लड़का है शायद, लड़की का आईडी बना के कर रहा है। तो अच्छा बातें करते रहो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे साथ बहुत लोग का सपोर्ट है, तो बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बस हम यही समझ गए हैं कि हम सक्सेस में जा रहे, इसलिए शायद इतना बैड बैड कमेंट हो रहा है मेरे लिए। और वो बोली कि बिल्कुल भी 40 का जैसा लग रहा है, तो तुम्हारा औकात है हेयर कलर करवाने का 1,500 का तो करवा लो। और क्या बोले, बहुत ऐसा ऐसा कमेंट करते गुस्सा आता है सुन सुन के, और बहुत ऐसा बात बोली है। हाँ मुस्लिम का बात तो मत उठाएगा प्लीज़, मेरा नाम लेके बोलो कि हम ऐसा करें वैसा करें, हिंदू और मुस्लिम का क्या नाम उठाती हो, हम तो सबको एक जैसा ही समझते हैं, हम किसी को अलग नहीं समझते। इसलिए नॉन मुस्लिम भी मेरे फ्रेंड है और मुस्लिम भी, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, तो ये सब मत किया करो, गुस्सा आता है मुझे।
बोली छी कैसा कलर करवाई है, पॉटी का जैसा लग रहा है, तो मेरे हस्बैंड ने करवाया। और हदीस में ये नहीं पढ़ा कि अपने हस्बैंड का कितना बात मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बोला करवा लो अच्छा लगेगा, तो मैंने करवा लिया। और बात रहा सर में दुपट्टा रखने का, तो अभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ से नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं, और मेरे हस्बैंड मुझे मना नहीं करते कि मैं जीन्स पहनूं कि टॉप पहनूं, पर हम खुद नहीं पहनते ना। आज तक मैं बिना दुपट्टा का बाहर निकली, कोई मुझे कुछ बोलने वाला नहीं, पर हमको पता है हमको कैसे रहना है नहीं रहना। आप मुझे मत सिखाओ कि हम मुस्लिम है क्या है, हमको सब कुछ अपना हद में रहना पता है। कभी देख लो मेरा वीडियो, मैंने कभी ख़राब ड्रेस पहन के वीडियो बनाया है, हमेशा तरीका ही बनाते हैं। और आप बोले जीन्स पहन लो सलवार कमीज उतार के, तो हम जीन्स भी पहनते हैं मेरे पास, हाँ टॉप नहीं पहनते, जीन्स पहनते हैं जंपर के साथ, लॉन्ग जंपर के साथ। तो तुम्हारा क्या जरा भाई, ये लोग को कुछ काम नहीं रहता है ना, तो छक्का मौगी लोग के जैसा वो लोग करते हैं, दूसरे के वीडियो में जा जा के उसको गलत कमेंट करना, ये सब करना। मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ था, पर अब जितना भी तुम कमेंट कर लो हम इग्नोर करेंगे। और हमको पता है तुम कौन हो, लड़की का आईडी बना के, लड़का हो तुम पर लड़की का आईडी बना के मुझे ये सब कमेंट कर रहे, तो भाड़ में जाओ। अब जितना ही बोलना है तुम बोलना, आज के बाद से तुम्हारा जिक्र भी नहीं करेंगे हम अपने वीडियो में, ठीक है ना। जितना बोलना है बोलना, अनकेयर इग्नोर बोला ना, ऐसे ऐसे कमेंट को हम अपनी जूती के नीचे रखते हैं बस। देखिए मैं चिकन निकाली हूँ 30 से 40 मिनट के बाद, इसलिए मुझे जल्दी बनाना है वरना बहुत लेट हो जाएगा। तो ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है, और यहाँ मैंने ऑयल को रख दिया है गैस पे गर्म करने के लिए। और ये अयाज आया, और ये है मैंने 3 लौंग और 1-2 इलायची लिया है, तो मैं डाल दूँगी इसमें। और थोड़ा सा जब ऑयल और अच्छे से गर्म हो जाता है तो मैं उसमें सारा डाल दूँगी चिकन। ये देखिए फ्रेंड, मैंने डाल दिया है चिकन को, और इसका कलर देखिए बहुत ही अच्छा आया है, और भी बहुत ही टेस्टी लगेगा ये खाने में। तो हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे, और उसके बाद हम 10-15 मिनट के छोड़ देंगे, चिकन जल्दी ही बन जाता है। जैसा आपका अंदाज रहे वैसे इसे पकने के लिए छोड़ दें, फिर रेडी है, बस इसमें अब कुछ नहीं करना है, वैसे ढक के मैं पकाऊँगी 10-15 मिनट तक। देखिए पूरी तल रहे हैं मिस्टर रिजवान, आज घर में है ना, तो आज वही पूरी तल रहे हैं, और अभी 5 बज चुके हैं, अभी जा रहे हम लोग खाना खाने, बहुत जोर का भूख लगा है। और इनको देखिए, ये तो शुरू हो जाते पहले ही, फर्स्ट पूरी यही लेगा, पूली है ना, पूली दिखा दिए, चलो खा लो। तो हम लोग भी चले अब जल्दी खाएंगे, अभी बस जस्ट नहाए हैं और थोड़ा सा पूरी तल ले रहे, और थोड़ा सा रात में तलेंगे, जितना भी खाना है वही अभी फ्राई हो रहा है। तो फटाफट से खाना खा लेते हैं, बहुत जोर भूख लगी, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, 5 बजे है, वो भी आज है संडे, तो देखिए जो। और ये देखिए पूड़ी बना रहे हैं ये, और ये देखिए चिकन मसाला का बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है। और ये रात का हो जाएगा तो हम इसे ढक करके रख देंगे, इसलिए कि अभी खाने का टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, और नाश्ता खाना आज दोनों एक साथ होने वाला है हम लोगों का, और अयाज भी आगे पीछे कर रहा है अपने पापा का। और फ्रेंड खाना हो गया है, शाम का नाश्ता दोनों मिला के, तो अभी टाइम हो रहा है 5:30, और मैं यहाँ बना रही हूँ अपने लिए अदरक का चाय, तो बन गया है, और हम लोग जा रहे हैं छत पे, चप्पल पहन लो, बैठे हैं अपने छत में और चाय लेके आए, वो चाय रख रहे हैं, और ये तो चाय पीते नहीं, चाय सिर्फ हम ही पियेंगे। और देखिए अभी सूरज भी ढल गया है, और अयाज वहाँ खेल रहा है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो देखो इधर आओ, इधर आओ। तो भी अपना बिजी है खेलने में। तो बस आज का यही वीडियो है, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और जो गलत कमेंट करते हैं बोले उनको फजूल का टाइम है करने का, तो करे कोई बात नहीं, हम उनका रिप्लाई अब नहीं देंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।